नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी इंडिया के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में धरती पर कुछ ऐसी जगह हैं जो कि अपने आप में रहस्य और प्राकृतिक अजूबों की तरह हैं। इसमें से कुछ रहस्यों के जवाब वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिए हैं और कुछ के जवाब अभी तक नहीं मिल सके हैं। हालांकि अंतिम नतीजे पर पहुंचने के लिए अभी भी शोध जारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जो अपने आप में किसी राज से कम नहीं हैं, और इनमें से कुछ अनोखी और रहस्यमयी जगहों तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। पांचवी, ब्लड फॉल्स अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर पर जमी बर्फ में एक जगह ऐसी भी है जहां से लाल रंग का झरना बहता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस झरने से खून बह रहा हो। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर कई रिसर्च किए, लेकिन कोई निश्चित नतीजा नहीं निकाल पाए। उनका एक अनुमान यह है कि इस जगह पर बर्फ के नीचे शायद लौह तत्व की अधिकता है जो कि पानी को लाल रंग कर देती है। हालांकि यह लाल झरना आज तक सदियों से एक रहस्य बना हुआ है। चौथा, डोर टू हेल यानी नरक का दरवाजा, तुर्कमेनिस्तान। डोर टू हेल या नरक का दरवाजा, जो कि तुर्कमेनिस्तान के दरवेजे गांव में स्थित है। तुर्कमेनिस्तान का 70% एरिया डेजर्ट है। दरवेजे एक पर्शियन शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है फाटक या दरवाजा। धरती में बना एक गड्ढा और उस गड्ढे में धधकती हुई आग। ये आग तकरीबन 50 साल से जल रही है। दुनिया इसे नरक के दरवाजे के नाम से जानती है। काराकुरम रेगिस्तान में बना यह विशाल गड्ढा दरअसल जमीन के अंदर प्राकृतिक गैस के ब्लास्ट से पैदा हुआ है। दरवेजे गांव का यह डेजर्ट एरिया प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक इस डेजर्ट एरिया में ऑयल और गैस की खोज करने के लिए आए थे। उन्होंने दरवेजे गांव के पास ही स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना, लेकिन ड्रिलिंग शुरू करने के कुछ देर के बाद ही यह जगह ढह गई और यहां पर 230 फीट चौड़ा और 65 फीट गहरा क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर इस क्रेटर से बहुत ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। मीथेन गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जिसका कि वातावरण और मानव दोनों पर प्रतिकूल असर होता है। इसीलिए इस मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकना जरूरी था। इसके दो ही विकल्प थे, या तो इस क्रेटर को बंद कर दिया जाए या फिर इस मीथेन गैस को जला दिया जाए। पहला तरीका बेहद ही खर्चीला और समय लगाने वाला था। इतने समय में यह मीथेन गैस हवा में फैलकर कई हजार लोगों की जान ले सकती थी। इसीलिए वैज्ञानिकों ने दूसरा तरीका अपनाया और इस क्रेटर में आग लगा दी। उनका सोचना था कि कुछ एक दिन में सारी मीथेन गैस जल जाएगी और आग स्वतः ही बुझ जाएगी, पर वैज्ञानिकों का यह अंदाजा गलत निकला और तब से अब तक यह गड्ढा लगातार धधक रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जगह मीथेन का कितना विशाल भंडार है। हर साल दुनिया भर से हजारों सैलानी इसे देखने जाते हैं। डोर टू हेल कोई राज तो नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य जरूर है कि तकरीबन 50 साल से धधक रही ये आग कब बुझेगी। तीसरा, नाज़का लाइंस पेरू। दक्षिणी पेरू के रेगिस्तानी इलाकों में आसमान से देखने पर धरती पर दैत्याकार चित्र बने हुए नजर आते हैं, या कहें तो लकीरें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी चित्रकार ने इन्हें धरती पर बनाया है। पहली बार जब इन चित्रों को देखा गया था तो एकाक बारी तो पूरा विश्व चकित रह गया था। 80 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले इस भूभाग में सैकड़ों रेखा चित्रों का संग्रह है। इसे नाज़का रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं में पक्षी, बंदर आदि जीवों के अलावा कई ज्यामितीय रेखाएं भी बनी हुई हैं, जिनमें त्रिभुज, चतुर्भुज आदि संरचनाएं शामिल हैं।
स्थानीय लोगों का मानना है कि ये रेखाएं हजारों साल पहले रहने वाले नाजका इंडियंस ने बनाई हैं, इसीलिए इन्हें नाजका रेखा या नाजका ड्राइंग्स कहते हैं। 1920 के दशक में पहली बार इन्हें हवाई जहाज से देखा गया था। नीचे से देखने पर ये लाइनें आपस में उलझी हुई सी बेतरतीब लाइनें मालूम होती हैं। कुछ लोग इन्हें किसी धार्मिक अनुष्ठान की निशानी मानते हैं और कहते हैं तत्कालीन सभ्यता यह विश्वास करती थी कि आकाश में देवता इन्हें देख सकते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है यह किसी एलियन ने बनाया होगा। लगभग 96 साल से इनकी रहस्यमयता बरकरार है। यह किस लिए बनाए गए तथा इन्हें बनाने वाला कौन थे, ये आज तक पता नहीं लग सका है। हजारों की संख्या में बने यह चित्र तो बताते हैं कि इनका कोई ना कोई मकसद तो जरूर रहा होगा। दोस्तों, इस नाजका लाइंस के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखें। उसका लिंक ऊपर आपको इस समय कार्ड में मिल जाएगा। दूसरी, मीर माइन साइबेरिया। रूस के साइबेरिया में ये कभी दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान हुआ करती थी। कभी यहाँ से 1 करोड़ कैरेट हीरा हर साल निकाला जाता था। जब यहाँ हीरे का भंडार खत्म हुआ तो लोगों ने गौर किया कि यह जगह अब अजीब सी हो चुकी है। आसमान से देखने पर लगता है कि मानो यह धरती की नाभि हो। इसे मानव निर्मित सबसे बड़ा कुआं कहा जा सकता है। इसकी गहराई तकरीबन 1720 फीट और चौड़ाई 4000 फीट है। इसके बाद सुरक्षा कारणों से मीर माइंस के ऊपर नो फ्लाइंग जोन बनाया गया, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स के पायलटों ने शिकायत की थी कि मीर माइंस के ऊपर जाते ही कोई ताकत उन्हें ज़मीन के अंदर खींचने लगती है। ऐसा क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य है। आप इसे गूगल मैप पर भी आसानी से देख सकते हैं। पहली, सोकोत्रा द्वीप, यमन। इसे धरती की सबसे अजीबोगरीब जगह कहा जाता है। यहां पहुंचकर आपको लगेगा मानो आप किसी दूसरे ग्रह पर ही आ गए हों। इसे अक्सर पृथ्वी की सबसे ज्यादा परग्रही दिखने वाली जगह के रूप में वर्णित किया जाता है। यह यमन में अरब और हिंद महासागर के बीच में एक छोटा सा द्वीप है। कई सालों तक इसके बारे में लोगों को जानकारी तक नहीं थी। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर जीव जंतु और चट्टानें सब कुछ ऐसी हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे उल्टे लटके हुए हों। इस द्वीप पर करीबन 44,000 लोगों की आबादी भी बसती है। इन लोगों की परंपराएं भी अजीब हैं। बीमारियों और मुसीबतों के लिए ये लोग सिर्फ भूत प्रेत पर ही विश्वास रखते हैं। हालांकि धीरे धीरे यहाँ के लोग भी यहाँ आने वाले टूरिस्ट की वजह से इंटरनेट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जुड़ना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं है कि ये जगह धरती की बाकी जगहों से इतनी अलग और अजीब क्यों है। कुछ वैज्ञानिक यहाँ शोध करने आए भी थे और उन्होंने शोध किया तो ये पता चला कि यहाँ की मिट्टी, यहाँ की खाद और यहाँ के पेड़ पौधों की प्रजातियाँ इस धरती पर कहीं भी नहीं मिलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह एलियन द्वारा बसाई गई है। यहाँ एक अद्भुत पेड़ भी पाया जाता है जिसे रक्त वृक्ष कहते हैं। इस रक्त वृक्ष से निकलने वाला रस जो खून जैसे लाल रंग का होता है, वो जमकर बनाने वाला लोबान नामक सुगंधित पदार्थ यहाँ से बहुत निर्यात होता है। इसीलिए इस द्वीप का नाम सूक अल कतरा यानी रक्त की बूंदों का बाजार भी पड़ चुका है। दोस्तों, यह थी वो धरती की 5 ऐसी जगहें जो सबसे ज़्यादा रहस्यमयी और चौंकाने वाली हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बाल्टिक महासागर में उड़नतश्तरी जैसी चीज़ हजारों सालों से पड़ी हुई है। जब इंसान का विकास भी नहीं हुआ था तब से यह चीज वहां पर पड़ी हुई है। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर जाके ऐसे रहस्यमय वीडियो जरूर देखें और आप ऐसी ही रहस्यमय पोस्ट पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट
www.rahasyatvindia.com पर ज़रूर जाएं और वहां पर ऐसी हजारों मिस्टीरियस पोस्ट ज़रूर पढ़ें। मैं वहां पर ऐसी मिस्टीरियस पोस्ट रोज़ डालता रहता हूं, तो आप सब हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और वहां पे मिस्टीरियस पोस्ट ज़रूर पढ़ें। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इस पर 5000 लाइक्स दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के भाग में इतना ही। आशा करता हूँ कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।